हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आप लोग काफ़ी दिन के बाद हमारा नया T10 चालू होने वाला है, जो कि है फैंकोड ECS T10 कैंपल, जो होने वाला है SPC वर्सेस QUV के बीच में। तो आप लोगों ने हमें काफ़ी मिस करा होगा कि हमारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी इस T10 की, और हमारी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और बने रहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं ROC1234 5 सर्च करके, और आप यहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप विनिंग टीम देख सकते हैं कि कितनी विनिंग हो रही है। और पहले से ही बोल देता हूँ कि हाई इन्वेस्ट और लो इन्वेस्ट, देखिए जैसा कि यहाँ पर काफ़ी बार मैंने बोल रखा है कि हाई इन्वेस्ट कौन सा मैच है और लो इन्वेस्ट कौन सा मैच है, और अगर हाई इन्वेस्ट है तो हाई जाता है। तो ऐसी विनिंग करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम पर आए नहीं है तो आ जाइए। चलिए, अब हम बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी ये T10 मैच की स्ट्रेटजी। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर बनी रहिए। अंत में आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, तो उस सरप्राइज को देखने के लिए वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने स्किप करा तो आपके ये एक ग्रैंड लीग जो 5 लाख वाली है, ये जीतने के चांस कम हो सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए, मैं आपको प्लेयर की एक एक स्टैट्स बताऊंगा, जैसा कि इस प्लेयर ने इतने रन मारे हैं इतने मैच में, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर आपको लेना ठीक रहेगा, कौन सा आप ड्रॉप कर सकते हो। बाकी चलिए, अब हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लास्ट में मैं आपको टीम भी दिखाऊंगा, और आज मैं लाइव सेशन भी करूंगा जो कि होगा 10 से 15 मिनट का, तो आप लोग आना ना भूलें बिफोर डेडलाइन से। मैं 20-25 मिनट पहले करूंगा, जब लाइनअप आ जाएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो और आप सारी चीज़ें पूछ भी सकते हैं कि कौन सा कंटेंट ज्वाइन करना सही रहेगा या गलत रहेगा। तो बिना किसी बकवास के चलो शुरू करते हैं। जैसा कि ये हमारा पहला जो मैच है SPC वर्सेस QUV, इसमें एवरेज इनिंग रहती है 100 की। इधर मैंने आपको सब कुछ लिख दिया है, अब मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि देखिए, इसमें जो एम बुखारी हैं उनका रिकॉर्ड है 7 मैच में 129 रन 4 विकेट, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। ओपन कर सकते हैं, 2 ओवर डालते हैं अपने मैच से, लास्ट सीजन भी 2 ओवर इन्होंने डालते हुए दिखाई दिए थे, तो आप इनको अपनी SL टीम में ज़रूर लेना। बाकी GL में भी ये मतलब कॉमन चॉइस है। तो अगले हैं हमारे 7 मैच में, देखिए मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ, अगले हमारे ए दत्त, जो 7 मैच में 147 रन 1 विकेट के साथ, देखिए ठीक ठाक प्लेयर हैं, बिल्कुल बेकार प्लेयर नहीं है, और 7 मैच में 147 रन, मतलब बैटिंग से इन्होंने अच्छा कर रखा है। बाकी 1 विकेट लिया है तो इनके ओवर करने के कम ही चांस हैं, तो इसलिए आप इनको ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी लाइनअप आने पे आप अगर कोई और चॉइस नहीं बनती है तो इन्हें हम लेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम ड्रॉप कर रहे हैं। आपको मैं हर एक प्लेयर का स्टेट्स बता दूंगा, ताकि आगे आने वाले सारे मैचों के आपको स्टेट्स पता रहें, आगे जो भी नया प्लेयर ऐड होगा उसको आप देख सकते हैं कि उसका क्या रिकॉर्ड। अगले हैं एम अहमद, 7 मैच में 254 रन 3 विकेट। अब इधर आप देख सकते हैं कि 7 मैच में 254 रन, बैटिंग से तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, पर विकेट में इन्होंने 3 विकेट लिया है, एवरेज है, तो आप इनको SL में रख सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग में एक बार को ड्रॉप करके आप रिस्क ले सकते हैं, बाकी ये भी कॉमन ही प्लेयर हैं। अगले हैं वी सिंह, 5 मैच में 24 रन और 3 विकेट। और देखिए इस गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये 2 ओवर कन्फर्म डालते हुए मिलेंगे अगर आज खेलते हैं तो काफ़ी अच्छी चॉइस है, 5 मैच में 3 विकेट का, और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अगले हैं ए रजा, 4 मैच में 113 रन, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। एस याकूब, 3 मैच में 15 रन 2 विकेट, मतलब ये बॉलिंग में ठीक ठाक कर लेते हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक ही है इनकी, तो अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है तो आप इन्हें भी अपनी ग्रैंड लीग और SL में रख सकते हैं, ज़्यादा बेकार चॉइस नहीं है। अगले हैं एम सिंह, 5 मैच में 16 रन 2 विकेट, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं।
अगले हैं पी बलवत सिंह, 5 मैच में 19 रन 1 विकेट। ये भी T20 का रिकॉर्ड है, T10 खेलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। अगले हैं एफ इकबाल, 3 मैच में 37 रन 2 विकेट। तो ये इनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी। पर ये आपको, ये जो मैंने टीम सेट करी है ये बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपनी ग्रैंड लीग टीम ज़रूर बनाइएगा। अगले हैं हमारे आरडियोल। अब आप आरडियोल को देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा, 5 मैच में 58 रन, T20 का रिकॉर्ड है, T10 का रिकॉर्ड मिला नहीं है। तो इनको आप ड्रॉप कभी कर सकते हैं अगर आज खेलते हुए दिखाई दें तो। अगले हैं जीटर आर, 5 मैच में 123 रन, बैटिंग से काफ़ी सही प्रदर्शन करा है पर बॉलिंग नहीं करते हैं, तो आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हैं SL में। बाकी ज़्यादा अच्छी च्वाइस नहीं है, आगे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और आगे हमारे साथ बने रहिए, स्किप मत करिए वीडियो को, क्योंकि मैं आपको एक एक प्लेयर इसका स्टेट्स अभी बता दूंगा, क्योंकि ये सारे ही T10 में, आज कुछ प्लेयर खेलेंगे, कल कुछ प्लेयर अलग खेलेंगे, परसों कुछ अलग प्लेयर खेलेंगे, तो उन सब का रिकॉर्ड आपको पहले से पता होना चाहिए। अगले हैं W उमर, 3 मैच में 57 रन, T20 का रिकॉर्ड है, T10 का रिकॉर्ड मिला नहीं है। अगले हैं एफ बिजकर्क, 4 मैच में 57 रन 2 विकेट। ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको SL में भी ट्राई करिएगा और ग्रैंड लीग में भी। टी हुवेंग, 2 मैच में 1 विकेट, T20 का रिकॉर्ड है, तो हो सकता हो T10 में आज अच्छा करें, क्योंकि इन्होंने खेले ही 2 मैच हैं, उनमें से 1 विकेट निकाला, हो सकता हो बैटिंग नहीं मिली हो, आज कर सकते हैं। यहाँ से मुझे 2 प्लेयर के स्टेट्स मिले नहीं हैं, अगर किसी को मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेज दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो एस अहमद है, इनका अगर किसी को आपको लिंक मिले तो आप इन्हें भेज सकते हैं। अगले हैं जो यू सलीम, 3 मैच में 4 विकेट। देखिए काफ़ी शानदार बॉलर हैं और 2 ओवर पक्का कंफर्म करते हुए देखते हैं, और आज के मैच में भी आपको विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, तो इनको आप लेना ना भूलें। अगले हैं आई हुनवेंग, 3 मैच में 1 विकेट, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगले हैं एस सरदा, अगर आज खेलते हुए दिखाई दें तो डायरेक्ट पिक कर सकते हैं, 2 मैच में 2 विकेट, मतलब हर बैच में 1 विकेट निकालते हुए ज़रूर मिल जाएंगे। बाकी T10 में जो प्लेयर, जिसका T20 में रिकॉर्ड बेकार होता है वो भी चल जाता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगले हैं एम हुरवेंग, 7 मैच में 4 विकेट, 2 ओवर कंफर्म करते हुए मिलेंगे और आपको विकेट लेते हुए भी मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अगर आज खेलते दिखाई देते हैं तो विकेट ज़रूर लेंगे। आगे चलते हैं हमारे अगले प्लेयर, यहाँ से आप देख सकते हैं जे मार्टिन एस न्यो, 5 मैच में 4 विकेट, 2 ओवर कंफर्म डालते हुए मिलेंगे, तो आप एक ग्रैंड लीग में आप हुरवंग को ड्रॉप करके मार्टिन श्योप को ले सकते हैं, अगर आपको दोनों खेलते आज मिलते हैं तो। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि लाइनअप आने के बाद काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं इसलिए। अगले हैं आई चौधरी, 2 मैच में 3 विकेट। देखिए ये इनका T20 का रिकॉर्ड है। अगला जो है यू इस्पाक इन और एस खान, मुझे लगता है एस खान काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो अगर आज आपको खेलते दिखाई दें तो आप इनको ले सकते हैं। बाकी मुझे स्टेट्स नहीं मिला है, अगर स्टेट्स मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दे दूँगा। अब हमारी अपोनेंट टीम की बात करते हैं, तो यहाँ से QUV के जो प्लेयर के स्टेट्स लाया हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो है ए अरोड़ा, 27 मैच में 386 रन और 10 विकेट। देखिए 27 मैच खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं, प्लस 386 रन हैं, ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं है पर आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगले हैं एम सिंह, 5 मैच में 58 रन, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगले हैं एन दामोदरन, 34 मैच में 294 रन, 34 मैच में 294 रन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एवरेज ही प्लेयर हैं ये भी, तो इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगले हैं बी बालाकृष्ण, 26 मैच में 175 रन, प्लस 9 विकेट, इनको अगर आज ये आपको खेलते दिखाई दें तो आप इनको पिक कर सकते हैं। बाकी देखिए ये एम सिंह है जो ओपनिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं,
तो जो ओपनिंग और स्टार्टर्स होते हैं उनका भी अहम रोल होता है ग्रैंड लीग जीतने में, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगले हैं ए मिश्रा, 14 मैच में 196 रन 9 विकेट। देखिए 14 मैच में 196 रन प्लस 9 विकेट बैटिंग प्लस बॉलिंग करते दिखाई देंगे आज के मैच में, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं अगर ये खेलते दिखाई दें। बाकी तो अभी फ़िलहाल स्क्वाड्स में भी हैं और लाइनअप में भी आ सकते हैं। अगले हैं पी नरवाल, 9 मैच में 122 रन 5 विकेट, ये भी काफ़ी सही प्लेयर हैं, इनको भी आप अपनी ग्रैंड लीग और SL में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगले हैं के थ्रूमलाई, 5 मैच में 148 रन, बैटिंग से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है पर इनकी बैटिंग लो कंडीशन में आती है, या प्रमोटेड भी हो सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका बैटिंग में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, होप ये T10 में भी अच्छा करें। के रंजन 10 मैच में 242 रन और 6 विकेट, मतलब पर मैच में 24 रन का एवरेज है और 6 विकेट हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी शानदार प्लेयर हैं। अगले हैं एस सिंह, 13 मैच में 73 रन, कुछ ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं है, इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, आज खेलते भी नज़र नहीं आएंगे आपको। पी बिंदलेस, 11 मैच में 10 विकेट, 2 ओवर कन्फर्म डालते हुए मिलेंगे ये, इनको आप अपनी SL और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हैं। एम जीवा बहुत ही शानदार बॉलर है, 13 मैच में 71 रन प्लस 20 विकेट, इनको आज आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं और कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग में, आज भी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, कंफर्म 2 ओवर डालते हैं और 13 मैच में 20 विकेट का रिकॉर्ड है। अगले हैं अमित कुमार, 7 मैच में 8 विकेट, एस सेठ 4 मैच में 5 विकेट, बी गुरु मुथी का मुझे स्टेट्स मिला नहीं है, तो किसी को मिले तो आप ले सकते हैं। ए कोंटाला 11 मैच में 59 विकेट और 59 रन और 8 विकेट, तो आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हैं, 2 ओवर कंफर्म डालते हुए मिलेंगे T10 में, अगर ये आपको खेलते नजर आए तो आप इनको डायरेक्ट ले सकते हैं। बाकी अगले हैं विवेक भानुवनम, 15 मैच में 4 विकेट, तो 15 मैच में 4 विकेट का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा पी बिंदलेस 11 मैच में 10 विकेट वाले, और एम जीवा कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस, 13 मैच में 71 रन प्लस 20 विकेट, 2 ओवर कन्फर्म। ए कोंटाला 11 मैच में 59 रन और 8 विकेट, 2 ओवर कन्फर्म, इनको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी SL टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन। और के रंजन को ट्राई कर सकते हैं, 10 मैच में 242 रन और 6 विकेट, कैप्टन वाइस कैप्टन SL टीम में प्लस ग्रैंड लीग टीम में। धन्यवाद, अब हम आपको बता देंगे अपने लाइव सेशन में हमारी टीम क्या रहने वाली है, अभी आप इस स्टेट्स के बदौलत आप अपनी टीम बना सकते हैं, जो भी बेस्ट प्लेयर हैं मैंने सब पे टेक और वाइस टेक कर दिया है, तो आप आराम से टीम बना सकते हैं। आगे मिलते हैं अपने लाइव सेशन में, आपको 10 मिनट या 20 मिनट पहले लाइव सेशन चालू हो जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो घंटे का बटन दिया हुआ है वो आप दबा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आप हमारे चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से, और हमारे चैनल पर सारी वीडियोज़ आती हैं बैक टू बैक, आपको सारी इन्फो मिलती रहेगी, काफ़ी बेस्ट वीडियो आती हैं तो आप देख सकते हैं, ब्लॉग्स भी आते हैं और यहाँ पे काफ़ी रोचात्मक वीडियो जैसे रहस्यमयी दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, ये वीडियो आने वाली है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।